शहर के तलमंडी शिला चौधरी रोड स्थित राधा कृष्ण हॉस्पिटल में अल सुबह मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। बसंत बिहार निवासी राकेश जैन के लंग्स में इन्फेक्शन था। उन्हें 19 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया था, जिनकी देर रात मौत हो गई। मृतक के भतीजे सौरभ जैन का कहना है कि वार्ड में लगभग 10 मरीज भर्ती थे। देर रात 2 बजे आईसीयू में ऑक्सीजन खत्म हो गई, पेशेंट परेशान होने लगे। एक मरीज ने 10 से 15 मिनट में दम तोड़ दिया। दूसरे मरीज की मौत 3 बजे के लगभग हुई। 2 मरीजों की मौत 6 से 7 बजे के बीच हुई। अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन की व्यवस्था 3 बजे बाद की, जिसमें भी एक सिलेंडर से 4 मरीजों को ऑक्सीजन दी। डॉक्टर को कई फोन किए पर कोई जवाब नहीं दिया। अस्पताल स्टाफ ऑक्सीजन आने की बात कहता रहा, फिर भी ऑक्सीजन सिलेंडर टाइम पर नहीं आए। रात में हंगामा हुआ, पुलिस की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अस्पताल वालों ने बिना पैसे लिए शव सौंप दिया। भैया रात को 2:05 या 10 के बीच में पूरे हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी, तो पेशेंट लोग परेशान हुए। एक पेशेंट ने तो 10 से 15 मिनट के बीच में ही अपना दम तोड़ दिया था। दूसरा पेशेंट ने 3 बजे के आसपास अपना दम तोड़ दिया, और 6:30 से 7 बजे के बीच में फिर 2 पेशेंट ने और दम तोड़ दिया है। उनने ऑक्सीजन की व्यवस्था 3 से 3:30 के बजे के बीच में की, जिसमें भी एक सिलेंडर से 4 लोगों को ऑक्सीजन दिया गया। उनने डॉक्टर साहब को 50 कॉल किए हमने, उनने हमें कॉल का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। स्टाफ ने कहा अभी ऑक्सीजन आ रही है, आ नहीं पाई थी टाइम पे। डॉक्टर कमलेश अग्रवाल का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत होने की जानकारी सरासर गलत है। अस्पताल में 6 से 7 ऑक्सीजन बेड हैं, रोज 20 ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई आ रही है। मरीज की कंडीशन खराब थी, उनको पहले ही बता दिया था। देर रात लोग इकट्ठा हो गए थे, इसीलिए पुलिस बुलाई गई थी। देखो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रही। हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं। मरीज की कंडीशन 3 दिन से रेगुलर बहुत सीरियस चल रही थी, उसको हमने ऑलरेडी सब कुछ समझा दिया था कि उनके चांसेस बहुत कम है। ऑक्सीजन की मात्रा जो है, सेचुरेशन जो है, वो शुरू से ही है जो 50, 60, 40 के लगभग चल रहा था। ऐसे में हमने सब कुछ उसको समझा बुझा था, ठीक है ना। वो मरीज को हमने सब चीज़ समझा बुझा के भर्ती किया था कि भाई इनकी किसी भी टाइम पे मृत्यु हो सकती है, और वो इस चीज़ के लिए तैयार भी थे।